Good morning class and welcome to your online classes. I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter, that is environment and its problem. So in this chapter we are going to study about environment and its components. So there are, what do you mean by environment? Environment is the entire ecosystem of a place in which living beings and non-living things coexist. उनके components क्या क्या होते हैं? Physical होते हैं, biological होते हैं और cultural होते हैं. Okay? So we'll discuss about the human environment. Human environment में भी तीन components होते हैं, physical, biological and cultural. वो सब मिलके क्या बनाते हैं? Human environment. Okay? Then we have environment pollution. What do you mean by pollution? Pollution वो changes होते हैं जो कि physical, chemical या biological characteristics change कर देते हैं हमारे environment का. Okay, that is आपका air, water and soil. Then what do you mean by pollutant? Pollutant वो सारी harmful चीज़ें होती हैं जो आपके environment में present होती हैं और आपके environment को damage करती हैं, right? Then I have already discussed what do you mean by pollution. Then what is atmosphere? Atmosphere के pollution से, right? Then what do you mean by pollution? Pollution आपका air pollution होता है, water pollution होता है, noise pollution, land pollution and radioactive pollution. एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन वो होता है जब आपके एयर में हार्मफुल चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, विच लीड्स टू द डैमेज ऑफ द एयर. दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड. ओके, देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग. देन आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एस्थमा, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस एंड बर्थ डिफेक्ट्स. देन व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब आपके वाटर में अनफिट चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. देन वी हैव इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन लाइक कॉलरा, मलेरिया, टाइफॉइड. देन हाउ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन? दैट जो आपके रिवर्स होती हैं उनको हमें गंदा नहीं करना चाहिए. जो हमारे फील्ड्स होते हैं उसमें जो कूड़ा करकट जाता है पानी में, वो हमें नहीं करना चाहिए. देन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं हेल्थ की? डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफॉइड, डिप्थेरिया. देन नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन वो होता है जब आपके नॉर्मल जगह पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होता है. दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू नॉइज़ पोल्यूशन. ओके, सोर्सेज क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल नॉइज, लाउड स्पीकर्स. इफेक्ट्स क्या होता है? हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, कलर ब्लाइंडनेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस. देन लैंड पोल्यूशन क्या होता है? जब आपका लैंड डिस्टर्ब हो जाता है या लैंड डिग्रेड हो जाता है, दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू लैंड. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोल्यूशन. इसके बाद हम आगे की चीज़ें अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन आप इसको एक बार फिर से देखने का और समझने का ट्राई करेगा. टिल देन थैंक यू सो मच क्लास, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक